मोस्ट वांटेड बदमाश विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को फरारी के दौरान रुपयों और हथियारों की मदद के आरोप में पुलिस ने हरियाणा निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिपाल गुर्जर पुत्र विजय सिंह हरियाणा के कसोला थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने कसोला में उसके खंडर मकान से AK-47 बंदूक, दो रूसी पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस बरामद करने की बात कही है, लेकिन यह नहीं बताया कि AK-47 बंदूक पपला की है या महिपाल की। महिपाल पर किस अपराध में मामला दर्ज किया गया है यह भी अभी पुलिस ने नहीं खोला है। पत्रकारों को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देने नीमराना पहुंचे जयपुर रेंज IG डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि बरामद किए हथियार 6 सितंबर 2019 को बहरोड थाने पर पपला गुर्जर को छुड़ाने में इस्तेमाल किए गए थे। हथियार उत्तरांचल क्षेत्र में जिस व्यक्ति से ये हथियार खरीदना बताया है उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। डॉक्टर घुमरिया ने कहा कि पपला से पूछताछ जारी है, उसके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हैं। इन सभी में कोर्ट से बारी बारी पर पपला को रिमांड पर लिया जाएगा। हरियाणा पुलिस भी इससे पूछताछ कर सकती है। पपला की फरारी से लेकर अपराध की किसी भी घटना में उसकी मदद करने वाले 33 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ लोग और हैं जिनके सत्यापन किए जा रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महिपाल और पपला आपस में रिश्तेदार हैं। इब्राहिमपुर गांव में सूने खंडर मकान में रखे एक बैग से सभी हथियार व कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। दो पिस्टल जो विदेशी हैं, कारतूसों में 11 राउंड AK-47 बंदूक के हैं, जबकि 18 राउंड 9 मिलीमीटर विदेशी पिस्टल के हैं। उसकी मदद से पपला बहरोड से भागने के बाद पहले यूपी पहुंचा, इसके बाद मथुरा, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि शहरों में घूमता रहा। एक जगह पर बदमाश एक या दो दिन से ज्यादा नहीं ठहरे। करीब एक दर्जन जगहों पर फरारी काटने के बाद नागपुर और वहां से कोल्हापुर पहुंचे, जहां उसकी महिला मित्र के नाम से फ्लैट खरीदा गया। पुलिस ने यह भी बताया कि पपला से 5 सितंबर 2019 को गिरफ्तारी के समय कार में बरामद करीब 32 लाख रुपए की कहानी पर IG जांच के नाम पर चुप्पी साध गए। उन्होंने कहा कि पपला ने पूछताछ में बताया कि यह रकम अलवर जिले में प्लॉट खरीदने के लिए लाया था, कुछ रुपए उसके पास थे, बाकी जुटाने में जुटा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। प्लॉट किससे खरीदना था, कहां खरीदना था, इस पर IG ने अनुसंधान के बाद कुछ बताने को कहा। पपला के पॉलिटिकल लिंक पर IG ने कहा कि हर वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा जिसने अपराध में उसकी मदद की है, चाहे वह कोई राजनीतिक व्यक्ति ही क्यों ना हो। Thank you.